मध्य प्रदेश के इंदौर में पूरे देश के साथ साथ आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस फैल रही है। आंखों के संक्रमण की चपेट में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस आई फ्लू का संक्रमण आंखों के लिए कितना घातक होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर जनसेतु न्यूज ने कई चिकित्सकों से चर्चा की। दरअसल देश में इन दिनों बारिश के मौसम में मच्छर और कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों के साथ ही आंखों के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आंखों की इस बीमारी से इन दिनों बच्चे अधिक प्रभावित दिख रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने आई फ्लू को लेकर कई तरह की जानकारियां दी हैं। हर बार वर्षा ऋतु कई तरह की सकारात्मक उम्मीदें लेकर आती है, लेकिन वर्षा ऋतु में कई तरह की बीमारियां भी सामने आती है। जी हाँ, इंदौर जिले में इन दिनों मच्छर व कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों के साथ ही आई फ्लू जैसी बीमारी भी अपना पैर पसार रही है। जहाँ जिले में बड़ी संख्या में बड़े लोगों के साथ ही बच्चों में भी आई फ्लू के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी को लेकर किस तरह से सावधानी रखी जा सकती है और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, आइए चिकित्सकों से इस बारे में जानते हैं। सर, बच्चों में आंखों की बीमारियां काफी देखने को आ रही हैं, किस तरह से सावधानी? बच्चों में नहीं, आज के देखने में तो ये आ रहा है कि ओपीडी में हमारे 100 केसेस यदि आते हैं तो 10 से 15 केसेस कंजंक्टिवाइटिस के अभी 15 दिन से काफी केसेस आने लगे, जिसमें ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में यूजुअली ज्यादा आ रहा है क्योंकि वो एक्सपोज ज्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों में देखने में ज्यादा आ रहा है। सर, देखा जाता है कि ये एक संक्रमण वाली बीमारियां हैं, जिसमें किस तरह की सावधानी रखना चाहिए और कैसे बचा जा सकता है? इसको बोलते हैं आई फ्लू है, क्योंकि संक्रमण से ही फैलती है। इसमें सबसे पर्सनल, सबसे जरूरी काम जो है वो पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। आदमी को अपना पर्सनल हाइजीन अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए बार बार हाथ धोना चाहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, नमस्कार की आदत डालना चाहिए। जितना आप कॉन्टैक्ट में कम आएंगे उतना संक्रमण कम फैलेगा, और यदि संक्रमण फैलता है तो भी घबराने की बात नहीं है। नियरेस्ट आई हॉस्पिटल में जाके या नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, निःशुल्क लेके डालें तो ठीक हो जाता है। सर, कितना घातक होता है? हाँ, कितना घातक हो सकता है? नहीं, घातक तो है, यदि आप नहीं इलाज कराएंगे तो आँख का मामला, आँख सबसे नाजुक ऑर्गन है शरीर का, तो घातक तो है, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और ड्रॉप लें, ठीक हो जाते, एक दो दिन में आराम हो जाता है। आई कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित लोगों की संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है। इससे प्रभावित लोग जाने अनजाने में कई बार दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे यह संक्रमण और फैल जाता है। इंदौर के हुकुमचंद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा की माने तो एक तरह का संक्रमण है। इसे बचने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति से नमस्कार करने की आदत रखनी होगी, यानी कि हाथ नहीं मिलाना और दूरी बनाए रखनी है, ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। जी, इस वक्त कई दिनों के पश्चात ऐसा हुआ है कि इस मौसम में पुनः आई इन्फेक्शन, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो फैल रहा है। और इसके बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि आँखों में से पानी आना, आँखों का लाल होना, आँखों में जलन होना, इस तरह की घटनाएं यदि पाई जाती हैं तो इसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और ऐसे में मैं पालकों को ये सलाह दूंगा कि बच्चों को अपने घर पर ही रखें। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें वो समझाइश दें, जिससे बार बार आँखों में हाथ ना लगाएं। यदि आँखों पर हाथ लगाया है तो हाथ को धो लें, हाथ को, आँख को स्वच्छ कपड़े से साफ करें, स्वच्छ जल से साफ करें, अंदर से बाहर की तरफ साफ करने के पश्चात उस रुई को साफ पानी से साफ करने के बाद उसको फेंक दें, और किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं अथवा पास के स्वास्थ्य केंद्र से किसी पढ़े लिखे स्वास्थ्य केंद्र में, किसी नीम हकीम को ना दिखाएं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं। और जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी आपको राय दी जाती है, उसका अक्षरशः पालन करें। और ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से या अधिक लोगों के बीच में जाने से बचें, ताकि संक्रमण अन्य लोगों को ना पहुंचे। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि लोग, एक ट्यूब आता है जनरली जिसको बहुत सस्ता आता है, उस ट्यूब से लगाकर लोग सांसते हैं, ठीक हो जाता है, कितना कारगर होता है और क्या चीज़ होती है? इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा कि नीम हकीमों के पास जाने से बचें। हालांकि वो जो ट्यूब रहता है, वो ट्यूब आई का कैप्सूल ही रहता है और उसमें क्लोरामफेनिकोल दवा रहती है, लेकिन उसकी आवश्यकता हर बार नहीं होती है। और
इसीलिए मेरा ये कहना है कि किसी पढ़े लिखे स्थान पर जाना उचित रहेगा। आप इस समय शहर में हर जगह स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, कम से कम यूपीएससी या संजीवनी तो आपकी रीच में या आपके आसपास हर जगह खुले हुए हैं और आपको बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े लिखे चिकित्सकों की सेवाएं लें और जो वाजिब है वही इलाज कराएं। बच्चों से संक्रमण के अधिक होने के मामलों में कई स्कूलों के प्राचार्य बच्चों के पालकों और इसको लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। सांवेर क्षेत्र के धर्मपुरी स्थित आयुष एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल महेश कुमावत की माने तो वह मैसेज व विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके पालकों को लगातार देकर जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आयुष एकेडमी स्कूल धर्मपुरी। अभी एक संक्रमण रोग जिसको हम आँखों की बीमारी कह सकते हैं, मैं बच्चों की आँखों में जलन, आँख लाल होना, आँखों में सूजन जैसी समस्याएं आ रही हैं। हम बच्चों को व पालकों को मैसेज के द्वारा सभी को बताया जा रहा है कि अगर आँखों में जलन या आँख लाल हो रही है और ग्रामीण भाषा में बोला जाए तो आँख आना जैसी समस्या अगर है तो आप तुरंत आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर बच्चों का इलाज करवाएं और आँखों के डॉक्टर को बताया जाए। वहीं आँखों के लाल होने से आँखों में सूजन और आँखों से पानी आने जैसे लक्षण के साथ शुरू होने वाले संक्रमण का समय पर इलाज नहीं करवाया जाए तो ये एक घातक भी हो सकता है। वहीं आँखों की इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इंदौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सेठिया के मुताबिक इस बीमारी से बचाव के लिए संक्रमित बड़े और बच्चों को आइसोलेटेड होना चाहिए और सीएमएचओ की माने तो उन्होंने आँखों की बीमारी से बचाव के लिए सब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जोनल ऑफिसर रोको हॉस्टलों और स्कूलों में हेल्थ चेकअप करवाने के लिए वह लेटर जारी करवा रहे हैं। सर, आई इन्फेक्शन काफ़ी देखने में आ रहा है, अभी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है इसको लेकर? नहीं, हमारे पास जितने भी अभी केसेस आ रहे हैं और जहां पर भी कंजक्टिवाइटिस के केसेस जरूर बढ़ रहे हैं और कल भी एक हॉस्टल के था कि हॉस्टल में भी कंजक्टिवाइटिस के केसेस मिले तो ये थोड़े कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट जरूर आता है तो बच्चों को जैसे एक आँख में अगर इन्फेक्शन होता है तो दूसरे में भी संभावना चांसेस रहती है तो थोड़ा हमको आइसोलेशन होकर रहना पड़ेगा। तो मैंने सभी मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक मेडिकल जोन पे बता दिया है कि जितने भी आपके अंतर्गत हॉस्टल्स आ रहे हैं वो सारे हॉस्टल्स को मासिक मतलब हर महीने जाके एक बार चेक करें, हेल्थ चेकअप हो जाए तो टीम के द्वारा चेकअप हो जाएगा। दूसरी चीज़ बीमारी भी अगर होगी तो उसको भी कंट्रोल करके, इसके अलावा हमारा स्कूल हेल्थ चेकअप का भी चलेगा तो सारे जोन को हम लोग लेटर जारी कर रहे हैं कि अब स्कूलें खुल गई है फिर से तो जितने भी स्कूलें हैं वहाँ पर जाके एक बार हेल्थ चेकअप बच्चों का करना रहता है तो ईयरली वो हेल्थ चेकअप कर ले। इसके अलावा अगर कहीं कंजक्टिवाइटिस का ज़्यादा है तो मेरा आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी आपके बच्चे को भी अगर कहीं इन्फेक्शन ऐसा लग रहा है तो उसको थोड़ा स्कूल के लिए अपन थोड़ा आइसोलेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि क्या दूसरों बच्चों में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और बीच बीच में आई ड्रॉप वगैरह भी डालते रहें और एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते रहें। बाकी हमारे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं वो समय समय पर हमारी टीम पर और उनको मार्गदर्शन देते रहें। आँखों को बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सकों ने अपनी राय दी। वहीं जन सेतु न्यूज़ आप सबसे अपील करता है कि यदि आई फ्लू जैसी संक्रमण आपके घर में किसी को होता है तो दूसरे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट में न रहें और हो सके तो आइसोलेट रहें। सतीश शर्मा, इंदौर।